हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का व्याकरण का पार्ट 6 वचन। वचन को हम नंबर भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दिए गए चित्रों को देखिए और रंगीन शब्दों को समझिए। चित्र देखना है और रंगीन शब्दों में जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। हम एक एक चित्र को देखेंगे। पहला चित्र देखिए और रंगीन शब्द लिखा है तोता, उसके बाद है डाली पर बैठा है, ये भी लिखा हुआ है तोता डाली पर बैठा है। तो ये जो तोता है ये एक पैरेट के लिए लिखा गया है। यहाँ संख्या में तोता कितना है? एक है, इसलिए यहाँ तोता लिखा है। तोता शब्द एक पैरेट का बोध करा रहा है, यानी तोता शब्द और चित्र के द्वारा हमें ये समझ में आ रहा है कि ये संख्या में एक है। दूसरा चित्र देखिए, ये देखिए चित्र, और यहाँ रंगीन से लिखा है तोते, उसके बाद लिखा है तोते डाली पर बैठे हैं, ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है। जो ये तोते शब्द है और चित्र में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पैरेट कितने हैं, तोते तोता कितना है, यहाँ दो, यानी ये जो तोते शब्द है ये दोनों के लिए आए हैं, दोनों पैरेट के लिए आए हैं। तो ये तोते शब्द दो होने का बोध करा है, तोता की संख्या का बोध करा रहा है कि ये संख्या में दो है या बहुवचन है, एक से ज़्यादा है। उसके बाद देखिए ये चित्र और यहाँ शब्द लिखा है लड़का। ये जो लड़का शब्द है ये चित्र से क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये लड़का जो शब्द है वो ये जो लड़का शब्द एक संख्या में एक बॉय का बोध करा रहा है, यानी संख्या में लड़का कितना है, एक है, ये बोध करा रहा है। या ये इस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि ये संख्या में एक है। और उसके आगे लिख रहा है खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। उसके बाद का चित्र देखिए, ये चित्र देखिए, ये चित्र देखिए, और नीचे लिखा है लड़के, यानी लड़के शब्द ये बता रहा है कि ये संख्या में दो हैं, दो बॉय हैं, इसलिए यहाँ लड़के लिखा हुआ है। इससे पहले एक ही लड़का था, एक ही बॉय था, तो वहाँ नीचे लिखा हुआ था लड़का, लेकिन यहाँ दो बॉय हैं तो नीचे लिखा है लड़के। और उसके बाद पूरा वाक्य लिखा है लड़के खेल रहे हैं। उसके आगे का चित्र देखिए, ये लड़की कहानी पढ़ रही है, ये लिखा हुआ है। ये दो रंगीन शब्द लिखा हुआ है, लड़की और कहानी। लड़की यहाँ ये बता रहा है कि ये लड़की जो है संख्या में एक है, कहानी ये अकेले एक बुक की कहानी पढ़ रही है, एक कहानी पढ़ रही है, तो ये भी संख्या में एक है। लड़की शब्द ये बता रहा है कि ये लड़की जो है वो संख्या में एक है, कहानी यानी एक ही कहानी लड़की पढ़ रही है। इसके बाद दूसरा चित्र देखते हैं, ये और उसके नीचे लिखा है लड़कियाँ, और दूसरा शब्द लिखा है कहानियाँ। ये दो शब्द रंगीन से हाईलाइट किए गए हैं, रंगीन पेन से। उसके आगे लिखा है वाक्य पढ़ रही हैं, लड़कियाँ कहानी पढ़ रही हैं। तो लड़कियाँ यानी दो बता रहा है, लड़कियाँ शब्द ये बता रहा है कि गर्ल्स कितनी है, एक नहीं है, एक से अधिक है। कहानियाँ ये भी शब्द यही बता रहा है कि ये दोनों लड़की एक एक कहानी पढ़ रही है, यानी दो कहानी पढ़ रही हैं, एक नहीं एक से अधिक कहानी पढ़ रही है। तो उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है कहानियाँ। आगे देखिए, अब लिखा हुआ है पढ़िए, उपरोक्त शब्दों में तोता लड़का लड़की कहानी शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं। तो कौन कौन से शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं? लड़की कहानी लड़का और तोता, ये शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, यानी वो जो भी हैं वो संख्या में एक है। जितने भी हैं लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो संख्या में एक है। जबकि
जबकि तोते, लड़के, लड़कियां, कहानियां, शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ की पिक्चर में आपने देखा लड़कियां, कहानियां, लड़के और तोते, ये शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। आप चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं कि संख्या में ये सब अधिक हैं और शब्द द्वारा भी समझ सकते हैं कि ये संख्या में अधिक है। तो ये सब अधिक, एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। इन्हीं शब्दों को वचन कहा जाता है। जो शब्द अभी आपने देखा तोता, लड़का, लड़की और कहानी, ये शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं। यानी इन शब्दों को पढ़ने के बाद और चित्र देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये संख्या में एक है। जबकि जो तोते, लड़के, लड़कियां और कहानियां, ये जो शब्द हैं वो चित्र और शब्द को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि ये संख्या में एक से अधिक है। तो यही शब्द वचन कहलाते हैं। यानी जो शब्द हमें एक या अनेक बताएं, चाहे वो वस्तु की संख्या बताएं या किसी प्राणी की संख्या बताएं, ये शब्द ही वचन कहलाते हैं। तो इसी आधार पे देखिए परिभाषा दी होगी, चलिए परिभाषा देखते हैं इसी उदाहरण के आधार पे। परिभाषा देखिए इसका, वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया ठीक वैसे ही परिभाषा दी गई है कि वे शब्द जो किसी भी प्राणी कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, जानवर हो सकता है, पशु हो सकता है, पक्षी होती है, समस्त जीवधारी प्राणी के अंतर्गत आते हैं, या फिर वस्तु में भी कोई वस्तु होती है, हो सकती है, उसकी संख्या बताए, किसी प्राणी की संख्या बताए या किसी वस्तु की संख्या बताए। संख्या में वो क्या बताएगा, संख्या में ये बताएगा कि वो एक है या एक से अधिक है। उस शब्द को पढ़ने के बाद जब हमें ये समझ में आ जाए कि वो प्राणी या वस्तु जो भी है, जिस प्राणी या वस्तु का नाम लिखा है शब्द के रूप में, वो एक है या अनेक है, तो ऐसे शब्द को ही हम वचन कहते हैं। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी प्राणी वस्तु की संख्या में एक या अनेक होने का ज्ञान कराता है उसे हम वचन कहते हैं। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं परिभाषा के रूप में। उसके आगे देखिए वचन के भेद कितने हैं, अब देखना है आपको। वचन के दो भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। वचन के दो भेद होते हैं, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अभी आपने देखा कि वचन किसे कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, जैसे लिंग के दो भेद होते हैं, इससे पहले कल आपने पढ़ा था लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक उसी तरह वचन के भी दो भेद होते हैं, लेकिन उनके नाम अलग हैं, एक वचन और बहुवचन। तो पहले हम एक वचन देखेंगे। एक वचन के अंतर्गत देखिए, वे शब्द एक वचन वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे किताब, तितली, केला और गुब्बारा। वे शब्द जो किसी भी प्राणी या वस्तु के संख्या में एक होने का ज्ञान कराता है, यानी उस शब्द को पढ़ने के बाद तो हमें ये पता चले कि वो संख्या में एक है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे ये चित्र के द्वारा आपको समझाया गया, जैसे किताब एक है, तितली एक है, केला एक है और गुब्बारा भी एक है। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है आपको समझने के लिए कि संख्या में ये एक है, यहाँ उसके शब्द लिखे हुए हैं। तो जो शब्द हमें किसी भी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराए, यानी जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वो प्राणी या वस्तु जो भी नाम दिया गया वो संख्या में एक है, उसे हम एक वचन कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है बहुवचन।
वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के अनेक होने होने का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे किताबें, तितलियां, केला, केले और गुब्बारे। तो अब ये बहुवचन का डिफिनेशन देखिए। वे शब्द जो किसी भी प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का ज्ञान कराते हों, यानी अनेक होने का ज्ञान कराते हो, ऐसे शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे किताबें, यहाँ चित्र के रूप में आपको दिया हुआ है, किताबें, तितलियाँ, केले, गुब्बारे, इन शब्दों को हम पढ़ रहे हैं। और इन चित्रों के साथ देखिए, किताबें, इस शब्दों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि ये जो वस्तु है वो एक से ज़्यादा है, अनेक है। तितलियाँ, ये शब्द पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि ये प्राणी संख्या में एक से ज़्यादा है। फिर है केले, ये भी वस्तु, खाने की वस्तु भी संख्या में एक से ज़्यादा है। फिर वस्तु है गुब्बारा, खेलने की वस्तु है, ये भी एक से ज़्यादा है संख्या में। यानी शब्दों को पढ़ने के बाद हमें यह ज्ञान हो जा रहा है कि यह एक से ज़्यादा है, और ऐसे शब्द ही बहुवचन कहलाते हैं। तो आपको चित्र के द्वारा भी समझाया गया है और शब्द के द्वारा भी, आप चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अगर संख्या में चित्र में एक है तो वो एकवचन है, और संख्या में वो चित्र में एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन है। और शब्दों से भी हम पहचान सकते हैं, जैसे किताब एकवचन, किताबें बहुवचन, तितली एकवचन, तितलियाँ बहुवचन, केला एकवचन, केले बहुवचन, गुब्बारा एकवचन, गुब्बारे बहुवचन। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसी तरह कुछ आपको शब्द दिए हुए हैं याद करने के लिए, लिखा हुआ है नीचे कुछ शब्दों के एकवचन और बहुवचन दिए गए हैं, उन्हें याद कीजिए। आपको याद करने के लिए दिया गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। एकवचन और बहुवचन, संतरा बहुवचन है इसका संतरे, रास्ता रास्ते, मेला मेले। एक तरफ एकवचन दिया है, जैसे संतरा एकवचन है तो उसका बहुवचन संतरे हैं, रास्ता एकवचन है तो उसका बहुवचन है रास्ते, मेला शब्द एकवचन है और उसका बहुवचन होगा मेले। इधर का देखिए, फिर यहाँ अध्यापिका एकवचन है, उसका बहुवचन है अध्यापिकाएं, माता भी एकवचन है, उसका बहुवचन है माताएं, पाठशाला शब्द एकवचन है, उसका बहुवचन है पाठशालाएं। तो इस तरह से ये है एकवचन और बहुवचन, कई शब्द होते हैं आपको याद करने के लिए, और कई दिए हुए हैं, चलिए उसको भी पढ़ते हैं हम लोग। मैं एकवचन पढ़ती जाऊंगी, उसके सामने का बहुवचन पढ़ती जाऊंगी। पहिया पहिए, पंखा पंखे, रोटी रोटियां, चमचा चमचे, पेंसिल पेंसिले। यहाँ पहिया एकवचन है, उसका बहुवचन है पहिए, पंखा शब्द एकवचन है, उसका बहुवचन है पंखे, रोटी ये एकवचन है, उसका बहुवचन बनेगा रोटियां, चमचा एकवचन का शब्द है, उसका बहुवचन बनेगा चमचे, पेंसिल भी एकवचन है, उसका बहुवचन बनेगा पेंसिले। जैसे आपके पास एक पेंसिल होती है तो आप बोलते हैं पेंसिल है, अगर आपके पास कई है तो आप उसको कहेंगे पेंसिले। कपड़ा कपड़े, बेटा बेटे, छाता छाते, कौवा कौवे, लड़का लड़के, रुपया रुपए, घोड़ा घोड़े, बच्चा बच्चे, घड़ा घड़े, पत्ता पत्ते, केला केले, टोपी टोपिया, बस्ता बस्ते, दीवार दीवारे, यहाँ होनी चाहिए दीवारे लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, होना चाहिए दीवार। इस तरह दीवार, तो उसका बहुवचन बनेगा दीवारे। तो इस तरह से ये गलत है, ये सही है। आगे के कई शब्द हैं, चलिए उसका भी बहुवचन देखते हैं, आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश करिए। ताला ताले, चिता चिते, चाबी
चाबियां, कक्षा कक्षाएं, कला कलाएं। महिला महिलाएं, भाषा भाषाएं, कथा कथाएं, बिल्ली बिल्लियां, लड़की लड़कियां, बकरी बकरियां। अगर किसी के पास एक बकरी हो, एक होगी गोट, तो हम कहेंगे बकरी, लेकिन किसी के पास एक से ज़्यादा गोट होगी तो हम क्या कहेंगे, बकरियां। ऐसे ही देखिए, पुस्तक पुस्तके, अगर आपके पास एक बुक है तो आप कहेंगे पुस्तक, लेकिन एक बुक से ज़्यादा है आपके पास तो आप कहेंगे पुस्तके। खिड़की खिड़कियां, मछली मछलियां, तिथि तिथियां। ये सारे शब्द एकवचन और बहुवचन के हैं, आपको पढ़ने हैं ये। गली गलियां, पक्ति पक्तियां, नदी नदियां, माला मालाएं। तो ये सारे शब्द आपको याद करने हैं, क्योंकि इसे प्रश्न बनते हैं। किसी भी शब्द का आपको एकवचन पूछा जा सकता है या बहुवचन पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों तरफ से आपको याद होना। यानी शब्द अगर बकरियां है तो उसका एकवचन बकरी है, और अगर मछली एकवचन शब्द है तो उसका बहुवचन मछलियां हैं। इस तरह से दोनों तरफ से आपको याद होना, और दोनों तरफ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी का भी बहुवचन पूछा जा सकता है और किसी भी शब्द का एकवचन भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, कुछ शब्दों में जन गण वृद्ध लगा लोग आदि लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए हम जन का प्रयोग करते हैं, गण का प्रयोग करते हैं, वृंद का प्रयोग करते हैं और लोग का प्रयोग करते हैं। इसी आधार पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे गुरु गुरुजन, छात्र छात्र वृद्ध, नेता नेतागण, अमीर अमीर लोग। तो इस तरह से भी बहुवचन बनाए जाते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, इस पाठ से आपने अभी तक क्या सीखा है, वो सारांश के रूप में दिया हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं एक एक करके। पहला देखते हैं, संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। आपको इतनी आसानी से यहाँ बताया गया है, ये सबसे इजी है समझने के लिए आपको, कि जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं, संख्या में क्या बोध कराएंगे, संख्या में एक या अनेक होने का बोध कराएंगे, ऐसे शब्दों को ही वचन कहते हैं, और वो शब्द चाहे किसी प्राणी का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो। दूसरा है, वचन के दो भेद होते हैं, एक है एकवचन और दूसरा है बहुवचन। एकवचन संख्या में एक का बोध कराता है और बहुवचन अनेक का बोध कराता है। तीसरा नंबर पे देखिए, एक प्राणी या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एकवचन कहलाते हैं। यानी अगर एक प्राणी या एक वस्तु का बोध हो रहा है तो वो शब्द एकवचन है उस शब्द से। उसके बाद है चौथे में देखिए, एक से अधिक प्राणियों वस्तुओं और व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। यानी एक से अधिक प्राणी हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, उसका ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं, वो बहुवचन कहलाते हैं। तो यही आपने इस पाठ में सीखा है। आगे देखिए, पुस्तक अभ्यास, अभ्यास कार्य दिया हुआ है, उसके अंतर्गत पहला है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नोत्तर कार्य है, इसको आपको नोटबुक में लिखना होगा, आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं इसका प्रश्नोत्तर कार्य कैसे करना है। पहला देखिए, वचन की परिभाषा दीजिए, यानी वचन किसे कहते हैं। उत्तर यहाँ लिखना है आपको। उत्तर है, वे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। यह है इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो वचन के दो भेद होते हैं, यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, वचन के दो भेद होते हैं, पहला है एकवचन, दूसरा है बहुवचन। तो इस प्रकार हम प्रश्नोत्तर कार्य पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, वचन परिवर्तन करना है। वचन परिवर्तन यानी अगर एक वचन दिया है तो बहुवचन, और बहुवचन दिया है तो उसको एक वचन बदलना होता है, यही होता है वचन बदलना। तो पहला शब्द है भेड़, एक वचन है,
तो हम उसका बहुवचन करेंगे भेड़ों। दूसरा शब्द है पंखा, तो उसका बहुवचन हम करेंगे पंखे। दवा, तो उसका बहुवचन हम लिखेंगे दवाइयाँ। ये दवाइयाँ, दवा का बहुवचन होता है दवाइयाँ। उसके बाद है नदी, और नदी का बहुवचन बनेगा नदियाँ। तो एक बार फिर देखते हैं, भेड़ का बहुवचन बनेगा भेड़ों, पंखा का बहुवचन बनेगा पंखे, दवा का बहुवचन बनेगा दवाइयाँ, और नदी का बहुवचन बनेगा नदियाँ। तो इस तरह से ये हल कर लेंगे हम। उसके बाद देखिए, माला एक वचन है, इसका बहुवचन बनेगा मालाए। दूसरा शब्द है चूहा, उसका बहुवचन बनेगा चूहे। तीसरा है गली, इसका बहुवचन बनेगा गलिया। और चौथा शब्द है छात्र, इसका बहुवचन बनेगा छात्रों। तो इस तरह से हम सारे शब्दों का बहुवचन बना लेंगे। माला का मालाएं, चूहा का चूहे, गली का गलिया, छात्र का छात्रों। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरना है, और ये आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इसी के आधार पे आपको खाली स्थान पूर्ण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं खाली जगह भरना। पहला है पहला देखिए, ऋतिक के पास 5 खाली जगह दिया हुआ है। ऋतिक के पास 5 है, ये पुस्तक में लिखा हुआ है। विकल्प में देखिए 2 ऑप्शन है, किताब, किताबें। तो सही विकल्प है ये किताबें, हम यहाँ लिखेंगे किताबें। तो बन जाएगा ऋतिक के पास 5 किताबें है। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, श्याम का खाली जगह नया है। बीच में खाली जगह है, ये बुक में लिखा हुआ है श्याम का नया है। विकल्प है पहला कुर्ता, दूसरा है कुर्ते। तो ये है सही कुर्ता, तो हम यहाँ लिखेंगे कुर्ता। और वाक्य बनेगा श्याम का कुर्ता नया है। तीसरा देखिए, पूर्वी ने खाली जगह खरीदी। पूर्वी ने खाली जगह दिया है, फिर खरीदी। विकल्प दिया है 2, गुड़िया, गुड़िया। तो सही विकल्प है गुड़िया, तो हम यहाँ लिख देंगे गुड़िया। तो पूर्वी ने 2 गुड़िया खरीदी, ये वाक्य बन जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या ख, प्रश्न संख्या घ वाला है, कार्तिकी के पास कई खाली जगह है। पुस्तक में लिखा हुआ है कार्तिकी के पास कई, फिर बीच में खाली जगह दिया है लिखा है। विकल्प के रूप में दिया है खिलौना, खिलौने। तो सही विकल्प है ये खिलौने, हम यहाँ लिखेंगे खिलौने। तो वाक्य बन जाएगा कार्तिकी के पास कई खिलौने हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4, चित्रों को पहचान कर एक वचन व बहुवचन लिखना है। यानी चित्रों को पहचानना है, अगर वो संख्या में 1 है तो एक वचन लिखेंगे, और संख्या में वो 1 से ज़्यादा है तो उसके नीचे हम बहुवचन लिखेंगे। ये सबसे आसान प्रश्न है आपके लिए, तो चलिए करते हैं शुरू इसको करना। पहला देखेंगे चित्र, ये देखिए चित्र, ये संख्या में 1 है या अनेक है, तो ये अनेक है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है बहुवचन, क्योंकि संख्या में अनेक है। दूसरा चित्र देखिए, ये तितली 1 है या अनेक है, तो ये 1 है, तो नीचे हम लिखेंगे एक वचन। तीसरा चित्र देखिए, ये पुस्तक दिया हुआ है, वो संख्या में 1 है या अनेक है, 1 से ज़्यादा है या 1 ही है, 1 से ज़्यादा है, तो हम नीचे लिखेंगे बहुवचन। उसके बाद देखिए लास्ट चित्र, ये देखिए, ये जो लड़का है, संख्या में 1 है या अनेक है, तो 1 है, तो उसके नीचे हम लिखेंगे एक वचन। तो इस तरह से आप चित्र से, अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं, यानी संख्या में 1 है तो एक वचन, और संख्या में 1 से ज़्यादा है तो बहुवचन। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5,
प्रश्न संख्या 5 लिखा है, रंगीन शब्दों के वचन बदल के पुनः लिखिए, यानी जो रंगीन शब्द है उसका वचन परिवर्तन करना है और फिर से हमें लिखना है। जब भी हम वचन परिवर्तन करते हैं तो उस वचन परिवर्तन के साथ क्रिया भी बदलती है, जैसे लिंग के साथ क्रिया बदलती है उसी तरह वचन परिवर्तन जब हम करते हैं तब भी क्रिया बदलती है। तो इसी तरह से इसे पूरा करना है। उदाहरण स्वरूप देखिए, पहला है देखिए, क महिला खाना बना रही है। महिला शब्द रंगीन दिया हुआ है और यहाँ उसका उदाहरण स्वरूप दिया है महिलाएं खाना बना रही है। महिला शब्द का बहुवचन लिख दिया गया, महिलाएं खाना बना रही है। इसी आधार पर हमें सारा प्रश्न हल करना है। तो ख वाला देखिए, राधा ने फूलों की माला बनाई। माला शब्द को रंगीन से दिया गया है ये शब्द और इसी को हमें वचन परिवर्तन करके वापस लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे उत्तर में ठीक सामने उसके, राधा ने फूलों की मालाएं बनाई। बनाई यहाँ डॉट रहेगा, तो राधा ने फूलों की मालाएं बनाई। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा कर लेंगे। आगे देखिए, ग वाला, नमन ने पंखा चलाया। ये जो पंखा शब्द है इसका हमें परिवर्तन करना है, लिंग परिवर्तन करना है पंखा शब्द का, और हम पंखा शब्द का लिंग परिवर्तन करके बनाएंगे, नमन ने पंखे चलाए। तो इस तरह से ये बना लेंगे, नमन ने पंखे चलाए, आप भी लिख लेंगे। आगे देखिए, घ कुर्सी उधर रखो। ये जो कुर्सी शब्द है इसका हमें लिंग परिवर्तन करना है, यानी बहुवचन बनाना है, सॉरी लिंग परिवर्तन नहीं करना है, इसका वचन बदलना है। वचन बदलना यानी उसे हमें बहुवचन बनाना है कुर्सी को, तो हम बहुवचन बनाएंगे कुर्सियाँ उधर रखो। इस तरह से ये हो जाएगा शब्द, कुर्सियाँ उधर रखो, कुर्सी का हमने बहुवचन बना दिया कुर्सियाँ उधर रखो, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, अंग वाला, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, इस शब्द में जो ये पत्ता है शब्द, ये एक वचन है, उसे हमें बहुवचन बनाना है और हम बनाएंगे पेड़ से पत्ते गिरे। तो पेड़ से पत्ते गिरे, ये इस तरह से ये बना लेंगे सारे शब्दों का। एक बार फिर से हम देख लेंगे, एक एक करके मैं फिर से प्रश्न और उत्तर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर रहे। राधा ने फूलों की माला बनाई, जो ये माला शब्द है उसको हमें बहुवचन बनाना है, तो हम बनाएंगे उसका बहुवचन और वाक्य पुनः लिखेंगे, तो उत्तर होगा राधा ने फूलों की मालाएं बनाई। तो इस तरह से ये हो जाएगा ख। ग वाला देखिए, नमन ने पंखा चलाया। ये जो पंखा शब्द है उसे का बहुवचन बनाना है, तो हम उत्तर लिखेंगे सामने ठीक उसके, नमन ने पंखे चलाए, ये हो जाएगा। ग देखिए, कुर्सी उधर रखो। ये कुर्सी जो शब्द है उसका बहुवचन बनाना है, तो उत्तर हो जाएगा कुर्सियाँ उधर रखो, तो ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है अंग, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता जो शब्द है उसका बहुवचन बनाना है, तो बनेगा पेड़ से पत्ते गिरे। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या ख, रेखा खींचकर एक वचन और बहुवचन का सही मिलान करिए। मैचिंग करना है एक वचन का बहुवचन के साथ, तो ये सबसे आसान है। चलिए शुरू करते हैं ये प्रश्न को हल करना। मैचिंग, पहले खिड़की, पहला शब्द दिया है खिड़की, खिड़की का मैचिंग करेंगे इसके साथ, खिड़कियाँ इसके साथ। दूसरा शब्द है माता, उसकी मैचिंग करेंगे हम इसके साथ, माताएं लिखा हुआ है। तीसरा शब्द है छाता, छाता की मैचिंग करेंगे हम लास्ट वाले शब्द के साथ जहाँ लिखा है छाते। भाषा, भाषा की मैचिंग हम करेंगे इसके साथ, ये लिखा है भाषाएं। और कक्षा, इस शब्द की मैचिंग हम करेंगे इसके साथ जहाँ लिखा है कक्षाएं। यानी एक वचन एक तरफ लिखा है, उसका बहुवचन लिखा था सामने, उसके साथ हमने सही सही मैचिंग कर दिया। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 7,
वचन संबंधी अशुद्धियाँ दूर करके वाक्य पुनः लिखिए, यानी वचन संबंधी अशुद्धियाँ, यानी अगर बहुवचन है तो यहाँ क्रिया भी बहुवचन की होगी, अगर यहाँ एक वचन का है तो यहाँ क्रिया भी एक वचन की होगी। इसी आधार पे इसमें अशुद्धियाँ है, इसे हमें शुद्ध करना होगा, कुछ न कुछ अशुद्धियाँ है। अगर शब्द बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, अगर शब्द एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। जबकि प्रश्न में अगर बहुवचन का शब्द दिया है तो उसमें एक वचन की क्रिया दी हुई है, और अगर बहुवचन का वर्ड दिया है तो एक वचन की क्रिया दी है, और एक वचन का अगर शब्द है तो वो फिर बहुवचन की क्रिया दी है। तो इसी को हमें सुधारना है, चलिए सुधारते हैं इसे। पहला प्रश्न देखेंगे, ग घोड़ा दौड़ रहा है, सॉरी घोड़े दौड़ रहा है, ये है। यहाँ आपको साफ साफ अशुद्धि दिख रही है, घोड़े जो शब्द है वो बहुवचन का है और क्रिया एक वचन की है, तो इसे हमें ठीक करना होगा, और हम ठीक करके बनाएंगे घोड़े दौड़ रहे हैं, है के बाद रहे हैं के पर एक बिंदी लगाएंगे तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा घोड़े दौड़ रहे हैं। दूसरा देखिए, पौधा बड़े हो गए, पौधा शब्द एक वचन का है और जबकि क्रिया हो गए ये बहुवचन की क्रिया दी गई है, तो इसको हमें सही करना है, और हम सही करके दोनों सही करेंगे तो शब्द वाक्य बनेगा पौधा बड़ा हो गया, पौधा बड़ा हो गया। इस तरह से ये अशुद्धि दूर हो जाएगी जो प्रश्न में थी। उसके बाद ग नदी में नाव डूब गई, नदी में नाव डूब गई, देखिए ई के नीचे बिंदी लगी हुई है तो ये भी देखेंगे हम, यहाँ ई पे बिंदी लगी हुई है आप देखिए, और इसका मतलब ये बहुवचन की क्रिया है, जबकि ये शब्द एक वचन का दिया हुआ है, जबकि दोनों को अगर क्रिया बहुवचन की है तो शब्द भी बहुवचन का होना चाहिए। तो इसको हम सुधार करेंगे और लिखेंगे वापस शुद्ध करके, नदी में नावें डूब गई, तो इस तरह से ये सुधर जाएगा, नदी में नावें डूब गई, ई के ऊपर बिंदी रहेगी, इस तरह से बिंदी बनी हुई है, ये आप लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या घ, उसने कहानियाँ लिखी, कहानियाँ ये बहुवचन है, उसको हम सही करेंगे शब्द को, तो वाक्य शुद्ध करके बनेगा उसने कहानी लिखी, उसने कहानी लिखी, ये हो गया। और आखिरी है अंग, तितली फूलों पर बैठी है, तितली फूलों पर बैठी है अगर है तो यहाँ बिंदी होना चाहिए था, अगर ये बहुवचन है तो, क्योंकि फूलों ये शब्द बहुवचन का है और है के ऊपर बिंदी नहीं है, यानी फूल को हमें एक वचन में बदलना होगा, फूल शब्द का एक वचन लिखना होगा, और पुनः वाक्य हम इसको शुद्ध करके पूरा वाक्य शुद्ध करके लिखेंगे, तितली फूल पर बैठी है, तितली फूल पर बैठी है। तो इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ क्या गलती है, मैंने समझाते समय आपको गलती बताते हुए सुधार किया है, तो आप इसको फिर से अपने से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखिए प्रश्न संख्या 8, नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द छाट कर लिखिए, कुछ शब्द दिए हुए हैं बॉक्स में, उसमें से एक वचन और बहुवचन छाट के आपको दो कॉलम दिए हुए हैं उसमें लिखना है। तो पहले शब्द देख लेते हैं क्या क्या है, ये है हमारे शब्द, और इसी को हमें एक वचन का शब्द एक वचन में और बहुवचन का शब्द बहुवचन में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या हमने लिखा है एक एक करके देख लेते हैं। पहले एक वचन देखेंगे, एक वचन में हमने लिखा गुब्बारा, यहाँ से पंखा, यहाँ से, उसके बाद देखिए बोतल, यहाँ से लिख लिया, फिर है बोतल के बाद लिखा है गुड्डा, यहाँ से लड़की शब्द लिखा है, और लड़की शब्द हमने यहाँ से लिखा है, हो गया। इतने शब्दों को जब हम लिख लेंगे उसके बाद जितने बचेंगे वो सारे शब्द बहुवचन में आ जाएंगे। तो बहुवचन का देखिए, हमने लिखा कमीजे, यहाँ से कपड़े, यहाँ से संतरे, यहाँ से लिख दिया, उसके बाद देखिए घड़िया, यहाँ से लिख दिया, और जूते भी यहाँ से लिख दिया।
तो इस तरह से चुन के हम एकवचन और बहुवचन के सारे शब्दों को लिख लेंगे, एकवचन और बहुवचन दोनों कॉलम में। तो इस तरह से हमारे समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण हो गया है, पाठ भी पूर्ण हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।